शातिर हो गया ये तो पुराना, नया करो कुछ नया इस श्री श्री तोबा तोबा जी के मनोरंजन के लिए। नया हम आज मेरा समय अच्छा नहीं है। अगर मेरे पास थोड़ा भी समय होता तो मैं इन बुरी शक्तियों को संभालने का समय भी नहीं देता। मिल गया तरीका समय की चाल बदलने का, लेकिन मुझे अपनी योजना को सफल करने के लिए बच्चों की मदद की जरूरत पड़ेगी। मैं बालवीर हूँ और मंच के पीछे तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मुझे तुरंत वहां आकर मिलो, लेकिन ध्यान रहे किसी को पता न चल पाए। बबली तुम? बबली नहीं, बालवी। बालवी तुम इस रूप में, लेकिन क्यों? वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा मानो मैं, लेकिन मुझे अभी तुम सबको बचाने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। मुझे महाविनाशिनी की बनाई हुई रेत घड़ी तक पहुंचना है ताकि मैं उसमें और रेत डाल सकूं। ये देखो, रेत घड़ी में रखी हुई रेत ठीक 12 बजे तक चलेगी, लेकिन जब मैं उसमें ये रेत डालूंगा तो वो रेत घड़ी 12:01 पर खत्म होगी। महाविनाशिनी उसी रेत घड़ी के हिसाब से ठीक 12 हम पर वार करेगी, लेकिन उस समय 12 नहीं बजे होंगे लेकिन 12:01 होंगे, जिस समय मेरे पास मेरी शक्तियां वापस आ चुकी होगी और उस समय मैं तुम सबको बचा लूंगा। मोंडो तू? हाँ। बालवीर जी, आप ही बबली है? हाँ मोंडो, मैं ही बबली के रूप में था। बालवीर जी, आज पहली बार आपको देखकर मुझे डर नहीं लग रहा है, बल्कि बहुत खुशी हो रही है। बालवीर जी, आप जल्दी जल्दी उन बुरे लोगों को खत्म कर दीजिए, चलिए। जरूर मोंटो, लेकिन उसके लिए मुझे तुम सबकी मदद की जरूरत है। बालवीर, हम तुम्हारे साथ हैं। सुनो, सबसे पहले तुम सबको मिलकर कुछ ऐसा करना होगा जिससे शातिर परी और तौबा तौबा रेत घड़ी से दूर हो जाए और मैं रेत घड़ी में रेत डाल सकूं। लगाओ, लगाओ,
Are you ready? Huh? I know ready. I Montu the greatest lakhani. अरे मैं मोंटू बॉस के सामने इतनी इंग्लिश एक बार में मत बोला कर, मोंटू बॉस कंफ्यूज हो जाते हैं। मेरे कहने का मतलब है आप अपने डायलॉग्स पे ध्यान दो, डायलॉग्स बोलो अपने। One, two, three, action. बालवीर डरपोक है, डरपोक है, डरपोक है। ए मोंटू खबरदार, अगर सुने हमारे बालवीर को डरपोक बोला तो। मोंटू आराम से। हाँ, बोलूंगा, बार बार हजार बार बोलूंगा, क्योंकि तुम्हारा बालवीर है ही डरपोक। देखो वो इतना डरपोक है वो मैं बचाने तक नहीं आया, क्योंकि वो ना शातिर परी जी से और तोबा तोबा परी जी से डर गया है। मतलब तोबा तोबा जी से डर गया। बिल्कुल सही कहा तुमने मोंटू, डरपोक है तुम्हारा बालवीर, हमसे डर कर यहाँ नहीं आया। हाँ बच्चों को बचाने वाला बालवीर नहीं, बच्चों को मुसीबत में फंसाने वाला बालवीर। अभी क्या गलती से यहाँ वो आपका चहिता बालवीर तो कर देंगे ये महान शूरवीर तोबा तोबा जी उसकी टाई टाई। तोबा तोबा अभी पता चल जाएगा कि किसकी होती है टाई टाई फिश। बच्चे ज्यादा देर तक शातिर परी के सवालों के सामने टिक नहीं पाएंगे। इससे पहले कि बच्चे सब कुछ बता दे मुझे कुछ करना ही होगा।
इतिहास गवाह है कि अच्छाई ने हमेशा बुराई को हराया है, और आज भी जीत अच्छाई की ही होगी, लेकिन थोड़े अलग अंदाज में। आज जो भी होगा हंसते हंसते होगा। और इस काम में मेरी मदद करेगी परियों की बनाई हुई ये हसगुल्ला वायु। होगा नहीं मुझसे। क्या हो रहा है? अरे हो क्या रहा है? है जो हो रहा है वो तुम्हारे सामने। क्या हो क्या रहा है? क्या हो क्या रहा है? तो बताओ अब जब ये रेत गाड़ी 12 बजने का इशारा करेगी तब असल में 12:01 का समय होगा, मतलब मेरी शक्तियां मेरे पास वापस आ चुकी होगी। विनाशनी ने हमें मजबूर किया था, वरना हम आप सबका पता कभी नहीं बताते। लगता है ये हंसने वाली वायु का असर है। अरे कहता है कि अंत में जीत सच्चाई की होती है रानी परी। पुराने साल का अंत भी और बुराई की जीत भी, नए साल का आरंभ भी, इस रेत खड़ी की रेत खत्म होते होते मैं तुम सब लोगों को खत्म कर दूंगी, फिर उसके बाद सच्चाई और अच्छाई का नामो निशान मिट जाएगा। बालवीर गौर से सुनो, मेरे 10 गिनने के पहले बाहर आ जाओ, वरना 12 बजने से पहले एक एक करके सारी परियों को खत्म कर दूंगी। और उसकी शुरुआत तुम्हारी मां से करूंगी, बाल परी। दीजिए शुरू, इन्हें समाप्त करना जल्दी से, वरना गिनती गिनने के चक्कर में हो जाएगी आपकी उल्टी गिनती शुरू। दो, तीन। बालवीर गौर से सुनो, यहां पे मौजूद कोई बच्चा भी नहीं बचेगा। चार, पांच, छह,
साथ। अभी 12 बजने में कुछ पल बाकी है, लेकिन उससे पहले महाविनाशनी की गिनती पूरी हो जाएगी। मुझे परियों और बच्चों की जान बचाने के लिए महाविनाशनी के सामने आना ही पड़ेगा। नो, बालवीर का खेल समाप्त और मेरा खेल शुरू। कुछ पल और बालवीर, उसके बाद तुम्हारा तड़पना खत्म। 12 बजने के 10 पलों पहले हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारा तड़पना खत्म हो जाएगा। नया साल मुबारक हो महाविनाशनी। तोबा तोबा, परियों की शक्ति वापस आ गई। आ गई परियों की शक्तियां वापस, तो वो निकलता मैं यहां से। है जान बचानी तुम्हें तो भाग लो तुम भी यहां से। हैप्पी न्यू ईयर बालवीर, हैप्पी न्यू ईयर। बच्चों, आप सबको भी मेरी तरफ से नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सबको भी नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू फॉर यू। दोस्तों, इससे अच्छा क्या हो सकता है कि हम अपने फेवरेट बालवीर और परियों के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, हमें भी इस बात की बेहद खुशी है कि नए साल के अवसर पर हम आप सब बच्चों के साथ हैं। आखिर बच्चों की खुशी में ही तो हमारी खुशी है ना परियों? बिल्कुल। हाँ हाँ, है कहते इसलिए तो हम हमेशा खुश रहो खुश रहो सब लोग खुश रहो। खुश रहो खुश रहो सब लोग खुश रहो। महेश, ये देखो ना, मैंने सैंपल केक बनाया है। कल मैं बल्लू और मेहर के लिए ऐसा ही केक बनाने वाली हूँ। जरा चक्कर बताइए ना कैसा है। कौन मैं? हाँ। स्मिता, भाई तुम्हारे हाथ का बना हुआ केक खाके मुझे
डेंटिस्ट के पास नहीं जाना है। और वैसे भी हाँ मुझे ऑफिस जाने में देर हो रही है। अच्छा है ना? ये नमक डाला है तुमने इसमें? अरे हाँ ये सॉल्टी चीज केक है ना, इसलिए नमक तो पड़ेगा ही। इसमें इतना क्या मुंह बिगाड़ रहे हो? बताता हूँ क्यों। ये अब तुम्हारा मुंह क्यों बिगड़ रहा है ना? एक काम करना स्मिता, बेकरी से अच्छा सा एक केक मंगा लेना, ताकि बच्चों का भी ऐसा मुंह ना बिगड़े। हाँ स्मिता। वो डेकोरेशन का क्या किया आपने? हाँ वो तो भूल ही गया मैं स्मिता, कमरे में रखा है, मैं शाम को आके प्रॉपरली डेकोरेट कर लूंगा। हाँ मेहर और बल्लू की बर्थडे है ना, तो उसकी तैयारी। हाँ लेकिन बर्थडे तो कल है। हाँ बर्थडे चाहे कल हो या आज, हम लोग तो खूब मजे करेंगे और खूब खर्चा भी करेंगे। ये दोनों सेंटेंस में से एक सेंटेंस राइट है, दूसरा रॉन्ग है। खर्चे करेंगे वो करेक्ट है। खर्चा करेंगे रॉन्ग है और खूब मजे करेंगे ये राइट है। ओ भाई ओ, तेरा बड़ा भाई है ना कोई बिजनेस टाइकून नहीं है, एक छोटी सी फर्म में छोटा सा क्लर्क है, सेविंग के बारे में सोच। चलो भाई मुझे देर हो रही है। मैं एक मिनट मेहर, बल्लू तुम दोनों जल्दी से पापा को बोल दो कि तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए। अरे नहीं पापा, आपका आशीर्वाद ही हमारे लिए बहुत है। अरे बेटा साल में एक दिन तो आता है इस कंजूस को लूटने के लिए, तो लूटो, मतलब जो चाहिए वो मांग लो। मांगो मांगो। हाँ बोल बेटा बोल। पापा आपको जो अच्छा लगे वो हमारे लिए लेकर आना, ठीक है? देखा, अरे इसे कहते हैं समझदार बच्चा। बेटा मैं तेरे लिए एक जबरदस्त वीडियो गेम लेके आऊंगा। अरे वाह। और मेहर तुम्हें क्या चाहिए बेटा? मेहर और मेरे लिए एक एक स्मार्टफोन। मानो बेटा मेहर का बर्थडे है तो मेहर को बोलने दो। पापा पार्टी का और गिफ्ट का दोनों मिला के कितना बजट होगा? एक छोटी सी ग्रैंड पार्टी और एक बढ़िया सा गिफ्ट, ये मिला के मेरा बजट है 2,500-3,000। बस तो ठीक है पापा, पार्टी भी मत करना और मेरे लिए कोई गिफ्ट मत लाना। क्यों? बस आपका जो बजट है उसका कैश मेरे पिगी बैंक में डाल देना। लेकिन मेहर बेटा इतने पैसे का तू करेगी क्या? वो मैं आपको नहीं बता सकती माँ, अब हम चलते हैं। बहुत लेट हो रहा है। बाय बाय। कमाल है ये लड़की, ये इतने पैसे का करेगी क्या? इतने सारे? अबे मुझे लेट हो रहा है भाई, मुझे जाना है, रात को आके डेकोरेशन भी करना है। चलो बाय, मैं निकलता हूँ भाई। सुनो 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 डुबाड़ भाइयों, है पता तुम सबको कि दूंगा क्या मैं भेंट में बालवीर को उसके 12वें जन्मदिन पर? क्या? मेरी एक सुंदर और ताजा कविता, गौर से सुनिएगा। मिलेगी छुट्टी हमें काम से, मिलेगी छुट्टी हमें काम से, मनाएंगे हम बालवीर का जन्मदिन बड़ी धूमधाम से। डुबा डुबाए, क्या कविता सुनाई है आपने? ये कविता सुनकर बालवीर को जरूर नींद आ जाएगी। अरे डुबा डुबाए दिल छोटा मत कीजिए, एक दिन आप बहुत अच्छी कविता लिखेंगे। लेकिन अब हम सबको मिलकर इस पूरे परिलोक को सजाना है। हाँ और ऐसा सजाना है कि पूरा परिलोक रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठे। बिल्कुल सही कहा आपने आर पार परी,
बालवीर के जन्म दिवस को हम यादगार मना देंगे, उत्सव की तरह मनाएंगे, खूब नाचेंगे, खूब गाएंगे, बहुत मजा आएगा। हाँ, और ऐसे ऐसे स्वादिष्ट व्यंजन बनाएंगे कि उसकी खुशबू से ही मुंह में पानी आ जाएगा। क्यों परियो? लेकिन हमें डर है कि बालवीर का जन्म दिवस कल है और हमने अब तक कोई तैयारी भी नहीं की। चिंता मत कीजिए डरी परी, हम सबको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, सारी तैयारियां अपने आप हो जाएंगी। लेकिन कैसे रानी परी? हम आपको अभी दिखाते हैं। खुश रहो हसी परी, खुश रहो, खुश रहो खुशी परी, खुश रहो। परियों, ये है हसी परी और ये है खुशी परी। बालवीर के जन्म दिवस का आयोजन ये दोनों परियां करेंगी। और आप जानती हैं परियों, आयोजन करने में इन दोनों परियों का कोई जवाब नहीं। हम करेंगे ऐसे कार्यक्रम का आयोजन, हो जाएगा पूरा परिलोक प्रसन्न। छा जाऊंगी सबके चेहरों पर मैं, यानी हंसी। बस जाऊंगी सबके दिलों में मैं, यानी खुशी। झपकाइएगा मतलब अपनी पलक, देखिए स्वादिष्ट व्यंजनों की एक झलक। जाएंगे सब आनंद में मगन, क्योंकि नृत्य और गीतों से होगा सबका मनोरंजन। रहेगा बालवीर का ये जन्मदिन सबको बरसों तक याद, क्योंकि होगा ऐसा उत्सव भी यहाँ बड़े अरसे के बाद। अरे वाह, आपने तो हम सबका दिल जीत लिया हंसी परी और खुशी परी। लेकिन रानी परी, क्या हम इस कार्यक्रम के साथ एक और कार्यक्रम नहीं कर सकते? कार्यक्रम? कैसा कार्यक्रम? वो किसने भटकाती परी? आपको याद है गाल परी, बालवीर ने 100 बुरी शक्तियों को पराजित किया था और उसी लिए हम बालवीर को सम्मानित करने वाले थे, लेकिन महाविनाशनी के कारण हम वो कार्यक्रम नहीं कर पाए थे। हाँ, वो कार्यक्रम भी होना चाहिए। रानी परी, क्या बात है, आप इतनी चिंतित क्यों लग रही है? परियों, बात ही चिंता की है, हमें महाविनाशनी की चिंता हो रही है। जब महाविनाशनी को ये पता चलेगा कि हम बालवीर के जन्मदिन पर उत्सव मना रहे हैं, तो वो इसमें बाधा डालने की कोशिश करेगी। इसीलिए परियों, डुबा डुबाओ, हम सबको सतर्क रहना होगा। कहीं कहीं महाविनाशनी की वजह से बालवीर और बच्चे संकट में ना पड़ जाए। जी रानी परी। मेहर, तूने पार्टी के लिए मना क्यों कर दिया? मेरी मर्जी, मेरा बर्थडे है, मुझे सेलिब्रेट नहीं करना। अच्छा हाँ, स्कूल के बाद मेरे लिए रुकना मत, घर चले जाना। पर मेहर। क्या पर मेहर, मैंने बोला ना कि मुझे सेलिब्रेट नहीं करना। पर मेहर, बल्लू का भी तो बर्थडे है, तेरी वजह से उसकी भी पार्टी कैंसिल हो जाएगी। अरे मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है, मुझे बस ये जानना है मेहर, तुमने पार्टी के लिए मना क्यों कर दिया? अरे बल्लू लल्लू, कुछ नहीं हुआ, मेरी मर्जी, मेरा बर्थडे है, मुझे कोई पार्टी वार्टी नहीं करनी, सिंपल। यह
क्यों पिद्दियो, किस पार्टी की बात कर रहे हो? बताओ बताओ। अरे चुप क्यों हो? जल्दी बताओ, वांट टू द फैटेस्ट लखानी को। मेरे कहने का मतलब वांट टू द ग्रेटेस्ट लखानी को। जवाब दो। ए मानो मेर, चलो बताओ तुम लोग कौन सा पार्टी का बात कर रहा था, बताओ फटाफट। अरे हाँ, वो पार्टी आई थी ना, हमारा घर देखने आई थी, उसी पार्टी की बात कर रहे थे। ए पिद्दी, तुझे क्या हम लोग बेवकूफ लगते हैं? हाँ? ए चिट्टू, जाके उनकी बैग चेक कर। रोहित तू भी जा इसके साथ। अरे अरे रोहित रुको, मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी से झूठ बोला क्या? ये मोंटू बॉस, लगता है ये पार्टी का इनविटेशन कार्ड है, बस इसमें नेम डेट और टाइम नहीं लिखा हुआ है। ए पिद्दियो, अभी के अभी टाइम डेट और मेरा नाम लिखो और मुझे अभी के अभी इनविटेशन दो। मोंटू जी, अब दो दिन बाद हमारे घर पर नहा धोकर आ जाना, हम आपको इनविटेशन कार्ड दे देंगे। ए, बेवकूफ समझा? देख मैं तुझे इनवाइट करती हूँ, लेकिन मानव को छोड़ दे। ये ले, ले। हाँ। मोंटू, ये लो तुम्हारा इनविटेशन कार्ड। चलो मानव बल्लू चलते हैं। देखा, इसे कहते हैं बॉस गिरी। मोंटू तो गधे को हमारी पार्टी में इनविटेशन नहीं है। पिद्दियों को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। ए चित्तो, कुछ जुगाड़ कर ताकि इनकी पार्टी में मैं इनकी ही बैंड बजा सकूं। शेबा सोचता है। इस बार भी बालवीर जीत गया। हर बार मेरी शिकस्त होती है और बालवीर जीत जाता है। इस बार मैं उसे सबक सिखा कर रहूंगी। है तो आखिर बच्चा है, छोड़ूंगी नहीं उसे। ये तुम्हारी आखिरी हंसी होगी बालवीर। ये क्या हो रहा है? कहाँ हो तुम बालवीर? वैसे कर क्यों रही हो आप हवा में वार? है नहीं यहाँ पर बालवीर? अच्छा अच्छा, है लगता मुझे बिगड़ गया आपका मानसिक संतुलन। होती है पृथ्वी लोक पर आप जैसे लोगों के लिए एक जगह पागल खाना। कहूं तो करवा दूं आपकी भर्ती वहां पर है?
भूल जाते हो किससे बात कर रहे हो। अगर दोबारा मेरा अपमान किया तो नहीं 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 माफ करती, हो गई गलती, नहीं करूंगा ऐसी गलती दोबारा। अरे कर दीजिए मुझे दिखाइए आप अपनी शक्ति इस कमजोर पर ही, लेकिन बालवीर का क्या? मतलब सोचिए कोई नई योजना बालवीर का अंत करने की। जाओ परी लोग जाकर वहां की हलचल पर नजर रखो। अब महाविनाश नहीं था क्या ये आपका नया तोड़का? ये कोई साधारण पक्षी नहीं है, ये मेरी आंख और कान है। परियों और बालवीर की एक एक पल की खबर देगा ये मुझे। और परियां इतने निर्दोष पक्षी पर वार नहीं करेगी। अच्छा अच्छा, मतलब था ये आपका निर्दोष जासूस? हैटी खेटी कीजिए आप जासूसी, मैं तो चला। तौबा तौबा, मैं देख रही हूँ कि आजकल तुम यहाँ नहीं रहते हो, मौका मिलते ही निकलते हो। कहाँ जा रहे हो? बता दूंगा अगर मैं इसे कि जाकर पृथ्वीलोक लेता हूँ मैं निर्मल आनंद, तो नहीं जाने देगी ये मुझे, क्योंकि नहीं करती ये खुद भी मजा और ना ही है करने देती दूसरों को भी मजा। मैंने पूछा कहाँ जा रहे हो? वो मैं हूँ कर रहा मैं आजकल शोध। कैसी शोध? शस्त्रों की, नए नए उपाय की, ताकि चखा सको आप बालवीर को मजा और कम हो सके आपकी निराशा है। तो जाऊं मैं? जा। मेहर थोड़ा आराम से खाओ, चबा चबा कर खाओ। मैं अभी आती हूँ, मेरा हो गया। अरे मेहर आराम से खा। अरे मैं मेरी बात तो सुन। अरे कहाँ जा रही है? अरे माना तुम सबसे पार्टी की बात निकली है, मेहर का बिहेवियर थोड़ा बदल गया है, कुछ तो गड़बड़ है, जरूर वो उसे कुछ छुपा रही है। चल जगह देखते हैं। चल अंकल। अरे बेटा तुम आ गए, ये लो राकेश की मम्मी ने भेजा है, जो राकेश को आप ट्यूशन पढ़ाते ना ये उसकी फीस। ठीक है। वो अंकल ने मेहर को पैसे क्यों दिए? शायद तुझे पिटने के लिए। अरे मुझे क्या पता माना। तो चल ना मेहर से चलकर पूछते हैं। नहीं माना, अभी अगर हम मेहर से जाकर पूछेंगे तो उसे लगेगा हम उसकी जासूसी कर रहे हैं, फिर तो हमें कभी नहीं बताएगी। हाँ। तो फिर हम कैसे पता करें क्यों क्या कर रही है? हाँ
स्कूल के बाद उसका पीछा करते हैं, शायद पता चल जाए। हाँ, अभी चल। उस महर के बच्ची ने मुझे गधा बोल के बहुत बड़ी भूल की है। हाँ, गधा नहीं, गेंडा बोलना चाहिए था, गेंडा। सॉरी, चिट्टू का बच्चा क्या रह गया? उसने पार्टी में जाने का जुगाड़ किया कि नहीं? कर दिया बॉस। अबे, तू कहाँ था? कब से आपके पीछे तो था बॉस। वो सच लो, ये लो। परफ्यूम की बोतल का मैं क्या करूं? अरे मोंटू बॉस, जब आप नहीं नहाओगे ना, तब ये परफ्यूम की बोतल काम आएगी। मोंटू बॉस, ये केवल इत्र नहीं है, ये तो मित्रम प्यारम यंत्र है। हाँ, आप इसे जिसपे भी छिड़केगा वो आपका दोस्त बन जाएगा। इसका मतलब अगर हम महल पे ये डाले तो मैं हम सबकी दोस्त बन जाएगी और हमें पार्टी में इन्वाइट करेगी। तो फिर मेहर को स्कूल के बाद ढूंढते और उसको दोस्त बना के उसकी पार्टी में दुश्मनी निभाते। चलो। खुशी, चलो भर देते हैं इन फूलों में नए नए रंग। क्यों नहीं हंसी, रंग और सुगंध से बढ़ेगा उमंग। परी, खुशी परी, कैसी चल रही है आपकी तैयारी? देखिए अपनी आंखों से रानी परी, और बताइए लग रही है या नहीं तैयारी खरी? अरे वाह, ये तो बहुत ही सुंदर। वाह, कितने सुंदर फूलों से सजाया आपने परीलोक के उद्यान को। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इन फूलों से कि मन प्रसन्न हो जाए। लेकिन परियों, अपने उत्साह में ये मत भूल जाइएगा कि हमें अभी बालवीर को उसके जन्म दिवस के बारे में नहीं बताना है, क्योंकि हमें उसे आश्चर्यचकित करना है। और हाँ परी, ये भी ना भूलिएगा कि बालवीर के जन्म दिवस की खबर महाविनाशनी तक नहीं पहुंचनी चाहिए, क्योंकि अगर महाविनाशनी को ये पता चल गया तो वो इसमें बाधा डालने की कोशिश जरूर करेगी। अब हमें बनाने हैं स्वादिष्ट व्यंजन भी। ठीक है परियों, आप जाइए। आयोजक परियों, पता लगाना पड़ेगा कि क्या आयोजन करने आए, ताकि बालवीर और परीलोक का अंत कर सकूं। जाओ पक्षी, आयोजक परियों के करीब जाओ। मैं जानना चाहती हूं कि वो क्या तैयारियां कर रहे हैं। मेरी इधर ही आ रही है, मेरी तीन गिनती गिनने पर परफ्यूम उस पर छिड़क देना। हाँ, वन टू थ्री, थ्री बोल थ्री थ्री।
मेरे भाई, मेरे जिगर के टुकड़े, तुम अभी तक कहाँ थे? अरे कहाँ था बताना? छोड़ो, अरे छोड़ो, छोड़ो, अरे अरे छोड़ो, अरे छोड़ो, तू कहाँ था अभी तक? छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। ये लो मेरे दोस्त, ये मेरी चोरी का सारा माल है, इसे संभालो, रख ले पगले, रख ले, ले ले। अरे अंकल, अरे अंकल, आपकी बैग अंकल। बोला बोला बैग, आओ अंकल, बैग तो लेके जाओ। अरे अंकल, छोटी सी उम्र में चोरी करता है? मैंने चोरी नहीं की। अच्छा, झूठ नहीं बोलता है? झूठ बोलता है इंस्पेक्टर साहब से? नहीं, मैं झूठ नहीं बोला हूँ, वो बैग मेरा नहीं है। चिट्टू, इससे पहले कि हमारे कान में पकड़े, चल भाग यहाँ से। अरे अंकल, वो मेरा नहीं है। आंटी, ये लीजिए आपका सामान। ये मेहर क्या कर रही है? चलिए पहले उस औरत से पैसे लिए, और अब इस न्यूज़पेपर वाले से पैसे ले रही है। आखिर महर इतने पैसों का करेगी क्या? हाँ बल्लू बल्लू, मेरे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ तो गड़बड़ है। अंकल, कल भी मेरे लिए काम बचा के रखो, मैं कल भी आऊंगी। कहाँ गई महर? देखो, मैं तुम्हारा कोई दोस्त नहीं हूँ। अरे कौन दोस्त? एक कुछ दोस्त नहीं बनना, नहीं बनना मुझे तुम्हारा दोस्त। अरे रुको, है परी लोग का उत्सव स्थल तो बहुत बड़ा, करना पड़ेगा हमें भी बंदोबस्त बहुत बड़ा। हंसी परी, खुशी परी, परी लोग के उत्सव स्थल को कैसे सजाएंगे आप? आप खुद ही देख लेना। और करीब जाओ पक्षी, मैं जानना चाहती हूँ कि सुरक्षा की क्या तैयारियां हैं। पैसे कमा रही है, लेकिन क्यों, किस लिए? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मेहर की सस्पेंस वाली फिल्म कब खत्म होगी, कब मेहर का रास खुलेगा। इसे तो कुछ पता नहीं चलेगा, लगता है मुझे बालवीर के रूप में ही मेहर से मिलना होगा। शायद मेहर बालवीर को सब सच बता दे। ओए बल्लू लल्लू, कहाँ खो गया? बताना मेहर की सस्पेंस वाली फिल्म कब खत्म होगी,
मानो तुम जाकर देखो कि मेहर आगे क्या करती है, तब तक मैं आता हूँ। और बलू लल्लू, अब तुम कोई सस्पेंस वाली स्टोरी मत चालू कर, तू कहाँ जा रहा है? अरे मानो आज मेरा जन्मदिन है तो मैं चाचा जी से आशीर्वाद लेना ही भूल गया। अब मैं बस अभी उन्हें फोन करके आता हूँ, ठीक है? ये मेहर और बल्लू को समझना ना मेरे बस की बात नहीं है। मेहर, बालवीर तुम? लेकिन तुम यहाँ क्यों? मैंने तो तुम्हें नहीं बुलाया। मुझे लगा तुम्हें मेरी मदद की जरूरत होगी इसलिए मैं आया। लाओ ये मुझे दे दो। अगर मैं बालवीर की मदद लूंगी तो वो गलत होगा, ये काम तो मुझे अपने बलबूते पे करना चाहिए ना। क्या हुआ मेहर, लाओ दे दो। थैंक यू बालवीर, लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं कर लूंगी। मेहर मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और दोस्त ही दोस्त की मदद करेगा, लाओ। हाँ बालवीर तुम मेरे दोस्त हो, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो खुद ही करने होते हैं, इसलिए बुरा मत मानना। हाँ बाय। मेहर ने मुझे भी नहीं बताया, पर मेहर आखिर इतने सारे पैसों का करेगी क्या? जो भी हो सच के बारे में मुझे पता लगाना ही होगा। अंकल। हाँ बेटा। मैं आपकी सारी स्टेशनरी पहुंचा के आई हूँ, और ये लीजिए 1500 रुपए। हाँ बहुत अच्छे बहुत अच्छे, और तुम्हारी स्टेशनरी भी तैयार है, बुक्स भी तैयार है, लाओ रख देता हूँ थैली पे। ये लो संभाल के जाना बेटा। हाँ थैंक यू अंकल। ओके रानी परी, खुशी परी और हंसी परी बालवीर के लिए उसके पसंदीदा फल का केक बनाएंगे। अरे वाह, अरे वाह, ये सब सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे कल का उत्सव बहुत ही भव्य होगा। रानी परी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इन दोनों आयोजक परियों को यहाँ बुलाया, इनकी वजह से इस कार्यक्रम की रौनक और बढ़ जाएगी। आइए हंसी परी खुशी परी, हम सब आप ही की बात कर रहे थे। आपके आयोजन से सभी परियां बेहद खुश हैं। हम आशा करते हैं कि कल का उत्सव भी बहुत ही शानदार होगा। ये आवाज कैसी? ये आवाज तो किसी पंछी के उड़ने की लग रही है। पक्षी की आवाज? लगता है परी महल में कोई पंछी घुस आया है। पंछी? डरी परी यहाँ तो कोई नहीं। काल परी बिजताल परी आप दोनों हंसी परी और खुशी परी के साथ जाइए और इनकी मदद कीजिए, हम नहीं चाहते कि कल के उत्सव में कोई भी कसर बाकी रह जाए। जी रानी, जी रानी परी। ये किस उत्सव की बात कर रही हैं परियां? और करीब जाओ पक्षी, मैं उनकी सारी बातें सुनना चाहती हूं। और करीब जाओ। कसर बाकी नहीं रह गई कल, क्योंकि कल आएगा महत्वपूर्ण पल। महत्वपूर्ण पल? ऐसा कौन सा पल है? ये क्या हुआ, ये दृश्य दिखाई देना बंद क्यों हो गया?
क्षमा कीजिएगा रानी परी, लेकिन आपने इस निर्दोष पक्षी पर वार क्यों किया? परियों, ये कोई निर्दोष पक्षी नहीं बल्कि एक विशेष यंत्र है। हाँ परी, हमने परीलोक के इतिहास की किताब में इस यंत्र के बारे में पढ़ा था। देखिए परी, गौर से देखिए, इसकी आंखों में छाया चित्र यंत्र लगा हुआ है जिसके द्वारा हमारी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही थी। देखिए, इसमें ध्वनि यंत्र भी लगा हुआ है जिसके द्वारा हमारी परीलोक की सारी बातों को सुना जा रहा था। इसका मतलब हम पर कोई जासूसी कर रहा है, लेकिन वो कौन हो सकता है रानी परी? महाविनाशनी के अलावा और कोई नहीं हो सकता, ऐसा काम वही कर सकती है। इस पक्षी यंत्र को अभी बिगड़ना था, इतनी महत्वपूर्ण बात साथ आते आते रह गई, पर महाविनाशिनी इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। परिलोक में क्या चल रहा है ये तो मैं जानकर ही रहूंगी।